हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्ट्स स्टडी में स्वागत है। आज हम 26 से 31 मई 2020 तक के करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि वीकली करंट अफेयर्स है दोस्तों। ये टॉप 40 क्वेश्चन है, आप विश्वास मानिए दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। 10 से 15 क्वेश्चन तो मैं आपको वर्ड से वर्ड याद करवा दूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि कैनरा क्रेडिट सपोर्ट के जरिए क्विक लोन मुहैया कौन बैंक कराएगा। तो कौन से कैनरा बैंक कैनरा बैंक ही करवाएगा दोस्तों। बात करें कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो कौन से ही याद रखिएगा, कर्नाटक में है। कर्नाटक कौन से कैनरा बैंक कर्नाटक में इसका मुख्यालय है, कर्नाटक के बंगलौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण एशिया में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है। तो ये आभास झा को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने री स्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त जारी की है। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों। बात करें याद कैसे होगा दोस्तों, तो देखिए री स्टार्ट करना है। तो री स्टार्ट कब किया जाता है दोस्तों, जब कोई मशीन ख़राब हो जाती है। जैसे मान लीजिए मोबाइल ख़राब हो गया तो उसको री स्टार्ट करते हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति है वो ख़राब हो गया, क्यों, क्योंकि वो अंधा हो गया है। तो अंधा हो गया तो उसको रीस्टार्ट कर सही किया जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह दिमाग में बैठा सकते हैं, ज़्यादा दिन तक आप याद रहेगा। ऑप्शन देखेंगे तो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन स्काई संधि से कौन देश अलग होने की बात कही है। तो ये अमेरिका ने कहा है दोस्तों, ओपन स्काईज ने। देते हैं कि खुडोल किस राज्य की पहल है, तो ये मणिपुर राज्य की पहल है दोस्तों, खुडोल। नेक्स्ट देखते हैं विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, ये 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं दोस्तों कि किस राज्य ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, तो मिजोरम दिया है दोस्तों। तो आप खेल को बढ़ावा देना है, खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो क्यों दिया है, क्योंकि वो मिजोरम यानी जोर दे रहा है, खेलों पर ज़्यादा जोर दे रहा है, तो इसलिए दिया। याद करने का तरीका है दोस्तों कि वो जोर दे रहा है, खेलों पर ज़्यादा जोर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि किस मिशन के लिए भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में अपना प्रशिक्षण दोबारा शुरू कर दिया है, तो गगनयान मिशन के लिए शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि किसने नौ रक्षक PPI किट को विकसित किया है, तो किसने किया दोस्तों, नौसेना ने किया है। याद कैसे होगा दोस्तों, तो नौ रक्षक तो ऑप्शन इसी तरह देगा दोस्तों कि नौसेना, थल सेना, वायुसेना। तो नौ से ही याद रखिएगा, नौ से नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाइजर गणराज्य में भारत के नए राजदूत किसको बनाया गया था। नौ से नाइजर, नौ से नायर, PK नायर को बनाया गया दोस्तों। तो याद रहेगा नौ से नाइजर, नौ से नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हुनर हाट मेला का आयोजन कब होगा, तो ये कब होगा तो ये सितंबर में होगा दोस्तों। थोड़ा ऑप्शन गलत लिखा गया है, ये सितंबर में होगा। कब होगा हुनर हाट मेला का आयोजन, सितंबर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नाइप्ला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है, तो ये राजीव जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हुनर हाट मेला का आयोजन कब होगा, तो ये सितंबर में होगा दोस्तों। रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन धन योजना COVID-19 के बाद के सबक वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये राजस्थान में किया गया है। यानी वन धन योजना COVID-19 के बाद सबक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, तो ये मेजर सुमन गोवानी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि कॉलिंग एप्लीकेशन कैच अप को किसने लॉन्च किया है, तो फेसबुक ने किया है। तो फेस मीन्स क्या होता है दोस्तों, चेहरा होता है। चेहरा को कैच किया जाता है ना, चेहरा क्या करता है, चेहरा शीशा चेहरे को कैच करता है। तो इस तरह दिमाग में बैठा सकते हैं, शीशा क्या करता है, चेहरे को कैच करता है, यानी फेस में चेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित एक चैट बॉक्स PAI को किसने लॉन्च किया, तो ये किया है NAPCI ने। तो कैसे याद हुआ दोस्तों, तो ये देखिए लास्ट में क्या है, PCI है लास्ट में, PCI। तो PC को केवल एक कर देना है दोस्तों, दो अक्षर नीचे गिरा देना है, PAI। तो PAI को किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है NAPCI। तो ऑप्शन देखेंगे तो आप बता देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लैग बाग
पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो जेके रावलिंग ने किया है, जेके रावलिंग ने, जिसने हैरी पॉटर भी लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नई एमडी किसको बनाया गया था? ये किसको बनाया गया था? एस एन राजेश्वरी को बनाया गया, राजेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि फिच ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितना गिरने का अनुमान लगाया था? ये 5% गिरने का अनुमान लगाया है फिच ने, किसने? फिच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मार्कोस ट्रायसो को बनाया गया। कैसे याद होगा दोस्तों? तो न्यू मिस क्या होता है? नया। तो नए नए मार्केट में जाना है, मार्कोस को मार्केट कर दिए, तो नए नए मार्केट में जाना है, जाना है यानी जोए, नीचे से पीछे से देखिए जोए लिखा है, जोए, तो नए नए मार्केट में जोना है यानी जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुसेना के स्क्वाड्रल फ्लाइंग बुलेट्स में किस लड़ाकू विमान को शामिल किया गया? तो तेजस MK-4 को किया गया, F-4 को, यानी फ्लाइंग F से ही थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हैं, FOC, फोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट्स इशू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैट पार्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया था? रिलायंस ने किया है, रिलायंस ने व्हाट्सएप चैट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि केरल की पहली महिला DGP किसको बनाया गया? तो ये किसको बनाया गया था? आर रेखा को बनाया गया है, आर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, र से रेखा याद कर सकते हैं कि केरल र में रेखा है, र से रेखा, ऑप्शन मिलेगा तब जरूर बताएंगे। आर से भी है, केरल में आर भी र है, आर से आर रेखा, इस तरह भी बैठा सकते हैं, दो दो आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? यानी ये मनाया जाता है 28 मई को, 28 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत ने किस राज्य की सड़कों के विकास के लिए ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ऋण समझौता पश्चात किया? तो ये महाराष्ट्र के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक चैनल कमीशन का नया सदस्य किसको चुना है? तो नरेंद्र बत्रा को चुना गया है, नरेंद्र बत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि किसने आधार के जरिए तत्काल EPAN सुविधा जारी किया है? तो ये निर्मला सीतारमण ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो क्वारेसा अब्दुल्ला ने जीता है, क्वारेसा अब्दुल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं दोस्तों कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो क्या रखा गया? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रखा गया था, कोल प्लास्टिक की जगह पर पेट्रोकेमिकल्स कर दिया गया दोस्तों, नाम वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विप्रो के नए CEO और MD किसको बनाया गया? तो ये थियरी डेलापोर्ट को बनाया गया, डेलापोर्ट को, विप्रो का, विप्रो लास्ट में विपो है दोस्तों, विप्रो, पो, विप्रो, ऑप्शन मिलेगा तो आप रिलेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ये लियो पुडी को बनाया गया, लियो पुडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP वर्ष 2019-20 में कितनी है? तो 4.2% है, 4.2% 2019-20 के लिए, याद रखिएगा 2019-20 के लिए GDP दर 4.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि वाडा ने किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते कितने साल का बैन लगाया? तो 4 साल का बैन लगाया। कैसे याद होगा दोस्तों? तो किरणजीत कौर, कौर में क्या है? KAUR, कौर इसी तरह लिखा है, तो 4 वर्ड है तो 4 साल के लिए, या इस तरह याद कर सकते हैं कि एक गाना है कि तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, ये भी 4 वर्ड आ रहा है तो 4 वर्ष के लिए लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुख के बैठक की मेजबानी किसने की है? तो किसने की है? तो रूस ने की है, रूस। ब्रिक्स में कितने देश सम्मिलित है? तो 5, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। तो कैसे याद होगा दोस्तों? तो देखिए मुख्यमंत्री जी हैं, और स्वरोजगार मतलब खुद का रोजगार। तो किसी से पूछ रहे हैं कि तुम रोजगार करना चाहते हो खुद का, तो क्या करेगा? वो उत्तर देगा ना, हाँ या ना, तो उत्तर देगा। तो अब मुख्यमंत्री तो बड़े आदमी है ना, तो उसके सामने कोई जल्दी से तो कहेगा नहीं कि हाँ चाहे ना, वो उत्तर देगा तो खंड खंड यानी तोड़ तोड़ कर देगा।
इस तरह के हाँ, इस तरह हाँ ना हाँ ना कर कर देगा तो खंड खंड कर कर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेजान दारू वाला का निधन हो गया वो क्या थे, तो वो एस्ट्रोलॉजर थे यानी भविष्य करता थे दोस्तों, भविष्यवाणी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के हाल ही में निधन हो गया वो क्या, उनका क्या नाम था, तो अजीत जोगी नाम था। किस तरह याद है वो दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ है दोस्तों, छत्तीस आ प्लस गढ़, तो कोई व्यक्ति है तो सबसे पहले छत्तीस वो गढ़ मिस किला, छत्तीस किला जीता है, छत्तीस किला जीता है, अजीत में जीत है ना, तो छत्तीसगढ़ यानी तो पहले है ना, पहले तो पहले है तो यही जीतेंगे, पहले मुख्यमंत्री यानी पहले मुख्यमंत्री कौन, छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीस को किला जीत कर गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि कुल श्रमिक के लिए रोजगार सेतु योजना किसने शुरू की है, तो मध्य प्रदेश ने की है कुशल श्रमिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि इंडिगो के नए स्वतंत्र महानिदेशक किसको बनाया गया, तो वेंकट रमनी सुमंत्रन को बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, एक लाइक कर मेरा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।